Very good morning to all of you. आज हम शुरू करते हैं भाषा लिपि और व्याकरण, चूंकि ये पहला चैप्टर है और इसमें हम लोगों को यही पढ़ना है भाषा लिपि और व्याकरण। शुरू करते हैं भाषा के भेद। आप सब लोग जानते हैं भाषा के दो भेद होते हैं, एक जो होता है मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हमारे मन में जो भी विचार होता है हम उसको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उस विचार को दूसरों के सामने रख देते हैं। तो हम अपने विचार को जब बोल करके किसी दूसरे के सामने रखते हैं, बताते हैं, तो वो क्या होता है? मौखिक भाषा होता है। यानी जब हम बोलते हैं, बोल करके कुछ बताते हैं, तो वो मौखिक भाषा होता है। जैसे नेताजी भाषण सुनाते हैं या कोई गीत गाया जाता है, या हम आपको बोल के जो भी सुना रहे हैं, कह रहे हैं, ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, और इसको लिख करके आपको बताया जा रहा है। तो जो लिखा हुआ है वह लिखित हो गया, और जो बताया जा रहा है जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हो गया। यानी जो लिख करके हम आपके सामने प्रकट करते हैं, आपको बताते हैं, वो क्या होता है? लिखित भाषा होता है। आप लोग समझ गए होंगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक और भाषा होता है जिसको हमने यहाँ लिखा नहीं है, प्रदर्शित नहीं किया है, वो होता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा का बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो इशारों से उनसे बात किया जाता है, या फिर सुनाई पड़ने के बावजूद भी कुछ सांकेतिक भाषा होते हैं, जैसे आंख मार के इशारा करना, बुलाना, ये क्या होता है? सांकेतिक भाषा हो जाता है। तो ये मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा होता है। अब हम आते हैं, और भी बहुत सारे भाषा होते हैं, अनेक भाषाएं होती हैं, भाषा तो बहुत सारी होती हैं जो अनेक देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें होता है एक मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है जी? जो भाषा हम अपने घर में सीखते हैं। मातृभाषा का मतलब होता है माँ की भाषा, यानी जो हमारी माँ बोलती है, यानी जो हम अपने घर में सीखते हैं, तो वो हमारी मातृभाषा होती है। और एक होता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होता है जी? जो पूरे देश में बोली जाती है, जो पूरे प्रदेश में एक राष्ट्र में बोली जाती है, वही क्या होता है? राजभाषा होता है और राष्ट्रभाषा होता है। यहां आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को ये जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा में स्वीकार किया गया। यानी हमारा देश जो है वह हिंदी को स्वीकार किया राजभाषा के रूप में। कब? 14 सितंबर 1949 को। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होता है जो अनेक देशों में बोला जाता है, जैसे अंग्रेजी हो गया, बहुत सारे देशों में अंग्रेजी बोला जाता है, तो ये क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गया। ये होते हैं भाषा। अब हम आते हैं
बोली बोली में बोली क्या होता है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो एक क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वो क्या होती है, बोली कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब आइए लिपि। कोई भी भाषा का एक लिखने का चिन्ह होता है, जैसे हम क से ज्ञ तक लिखते हैं तो एक चिन्ह के रूप में क को प्रदर्शित करते हैं, ख को प्रदर्शित करते हैं। वो चिन्ह जो होता है, लिखने की जो विधि होती है, वही क्या होती है, लिपि होती है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। यानी लिखने की जो विधि है, जो लिखने का रूप है, वही क्या है, लिपि होता है। और व्याकरण जो हम अभी पढ़ रहे हैं, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। हम बोल तो लेते हैं लेकिन शुद्ध बोलना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। शुद्ध लिखना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। यानी जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, ये व्याकरण के विभाग हैं जो तीन होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। जब हम लोग व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि पर अध्ययन किया जाता है। यही क्या होता है, ये वर्ण विचार होता है। यानी वर्ण विचार में क्या किया जाता है, वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है शब्द विचार। अब देखिए शब्द विचार में क्या होता है, इस विभाग में शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है जी, शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे, आदि पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। अब लास्ट जो होता है वो वाक्य विचार होता है। इस विभाग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य पे विचार किया जाता है, वाक्य रचना, वाक्य भेद और विराम चिन्ह आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका भाषा, लिपि और व्याकरण है। इसके आगे वाले चैप्टर में विस्तृत रूप से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज जो है सो इतना ही। धन्यवाद।